बड़ी खबर बिहार के दानापुर से। लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 करोड़ कैश के अलावा अकूत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं सुभाष यादव, लालू यादव के करीबी रहे हैं। 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि हार गए थे। अवैध खनन के आरोप में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बालू माफिया सुभाष यादव अब ये ईडी के शिकंजे में है। हाल फिलहाल छापेमारी भी हुई थी और अब इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके आवास से 2 करोड़ से अधिक की राशि और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। मुनीश पांडे का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुनीश क्या है ये पूरा मामला, दर्शकों को इस पर पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए सुभाष यादव जिनके ऊपर आरोप है कि वो रेत खनन का जो मामला कानूनी रूप से उसमें पूरी तरह से सक्रिय थे और 161 करोड़ रुपए का पूरा ये घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें कि सुभाष यादव ईडी के मुताबिक एक अहम भूमिका निभा रहे थे इस पूरे घोटाले में और उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक कंपनी है जो सुभाष यादव से जुड़ी हुई है और उसी के ऊपर आरोप है कि जो गलत तरीके से रेत खनन हो रहा था बिहार में, जिसके बाद 20 से ज्यादा FIR बिहार पुलिस ने लॉन्च की थी, उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन देखिए आशुतोष, सुभाष यादव क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? सुभाष यादव वो शख्स हैं जो कि लालू यादव के करीबी बताए जाते हैं। लालू यादव का नाम जिस भी घोटाले में आता है उस घोटाले में कहीं ना कहीं सुभाष यादव का नाम भी आता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी कि जमीन के बदले नौकरी मामले में भी सुभाष यादव के घर पर छापेमारी हुई थी, उनसे लंबी पूछताछ की थी ईडी ने। लेकिन अब ईडी ने छापेमारी के बाद सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। कहीं ना कहीं उनके जो ताल्लुकात हैं लालू यादव और उनके परिवार वालों से वो काफी गहरे बताए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय हो सकता है लालू यादव के परिवार के लिए भी। इंडिकेशन क्या है मुनीश, इसको अगर देखें तो कुछ और भविष्य में कड़ियां खुल सकती हैं और कड़ियां जुड़ सकती हैं, ऊपर तक कहीं और भी पहुंच सकते हैं उसके तार और शिकंजे में वो लोग भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो सबूतों के आधार पर जो रेत खनन मामला है उसमें हुई है, लेकिन सुभाष यादव का नाम पहले भी आया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में भी सुभाष यादव के ऊपर सीधे रूप से आरोप लगे थे, उनसे पूछताछ की गई थी। अब ईडी का ये कहना है कि उनके पास न सिर्फ एक मामले में बल्कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें सुभाष यादव का नाम पहले भी सामने आया है, तो उसमें भी पूछताछ होगी। मनीष, इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।